I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. हेलो दोस्तों, आज राजस्थान बेरोजगार भत्ता 2022 की बड़ी अपडेट मिली है, क्योंकि राजस्थान बेरोजगारों को इसमें बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इस इंटर्नशिप बंद होने की कगार पर है। हमें पत्र में एक पत्र मिला है जिसमें बेरोजगारों के हित की बात की गई है। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इंटर्नशिप प्रमाण पत्र ज्वाइन लेटर अभी तक अपलोड नहीं किया है वो जल्दी से कर ले, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और साथियों, बात करते हैं इंटर्नशिप स्थगित होने की। तो साथियों, पत्र में लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय में लेख है कि बेरोजगारों को एकीकरण महासंघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा व्यक्त उपस्थित होकर अवगत कराया गया है कि राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारों के शैक्षणिक योग्यता, स्थानीय भाषा एवं स्थानीय निवासी के आधार पर अन्य राज्यों द्वारा सरकारी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में भाग नहीं लेने दिया जाता, जबकि राजस्थान में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के संबंध में नियम एवं प्रतिबंध नहीं होने के कारण से हजारों अभ्यर्थी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो प्रवेश के युवाओं के हक में डाका डाल रहे हैं। तो साथियों, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दे और कर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोका जाए, वहाँ पर ये चार मांगे ही हैं साथियों, जिनको विस्तार में बताया गया है। प्रिय बोर्ड, मारी कला बोर्ड और ये मगरा बोर्ड, युवा बोर्ड, केश कला बोर्ड की तर्ज पर राजस्थान के युवा बेरोजगारों की समस्या का निस्तारण के लिए युवा बेरोजगार आयोग बनवाया जाए। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, फर्जी खेल प्रमाण पत्र के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। तो साथियों, बेरोजगार भत्ते में अनिवार्य 4 घंटे के इंटर्नशिप को हटाने का बड़ा हुआ आदेश है कि युवा बेरोजगार एकीकरण महासंघ के द्वारा युवा बेरोजगारों की उक्त मांगों के निराकरण के लिए चलाए जा रहे शांतिपूर्वक अभियान का पूर्ण समर्थन आप भी दें। तो इसलिए साथियों, बहुत से नेताओं ने इस पत्र को स्वीकार किया है। तो साथियों, इंटर्नशिप स्थगित होने की कगार पर है, और आपसे निवेदन कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष महासंघ के एकीकरण के बेरोजगारों के हित में बोलने वाले हमारे युवा पीढ़ी के श्रीमान उपेंद्र जी यादव को सपोर्ट करें, ताकि जल्द से जल्द इंटर्नशिप बंद हो जाए और हमें राहत मिल जाए। तो साथियों, आज की यही छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट करें और शेयर करें, और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।